बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा केंद्र से आता है उसमें भी कमीशन खाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम, शेल्टर देने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों करती है? यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, क्या उनकी पकड़ अपने मंत्रियों, अपने सांसदों, अपने विधायकों पर नहीं? क्या लूट की खुली छूट ये उन्होंने दे रखी है कि इनके लोग इनकी सुनते नहीं? बंगाल में चौधरी साहब कुछ कहते, ममता दीदी कुछ और कहती, तीसरा कुछ और कहता है, ये आपस में ही ना सुर मिलते ना ताल मिलता है। और हमने पहले दिन ही कहा था ना, इनका नेता है कोई ना नीति है, और नियत में खोट तो पहले दिन से ही नजर आता था। थैंक यू, आपको भी वर्ष 2024 की बहुत बधाई शुभकामनाएं। सवाल आपके ही है, मैं तो संदेश काली में आपको पता है कि कुछ दिन पहले ईडी के ऊपर जिस तरह से कुछ लोगों ने तलाशी के समय पे आक्रमण किया है इसके बारे में, और पत्रकारों के ऊपर पता ये जा रहा है कि ये संगठित ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल अटैक हुआ है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जो जनता की भलाई के लिए पैसा आता है उसकी पाई पाई को खाने का पक्का इंतजाम किया जाता है। कट मनी के नाम से मशहूर यहाँ के नेता और यहाँ की सरकार हो गई है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा केंद्र से आता है उसमें भी कमीशन खाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ईडी की टीम पर भी पथराव, मारपीट, सिर फोड़ने का काम होता है। आखिरकार देश का पैसा, देश की जनता का पैसा, अगर उसका हिसाब लेने का नाम आए तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम, शेल्टर देने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों करती है? अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, क्या उनकी पकड़ अपने मंत्रियों, अपने सांसदों, अपने विधायकों पर नहीं? क्या लूट की खुली छूट ये उन्होंने दे रखी है कि इनके लोग इनकी सुनते नहीं? अगर लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ इनके गुंडे, इनके अधिकारी, इनके कार्यकर्ता टूट पड़ते हैं, मारते हैं। ये देश में कहीं नहीं होता, पश्चिम बंगाल में होता है। ये कैसी परिस्थिति खड़ी हो गई? लॉ एंड ऑर्डर की एक भयंकर समस्या यहाँ पर है जिसका बार बार उदाहरण देखने को मिलता है। पिछले कल देश ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। देश में कम से कम 20,000 स्थानों पर लाखों युवाओं ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। उनसे प्रेरणा स्रोत है हम सब। प्रधानमंत्री जी स्वयं नासिक गए थे, लाखों युवाओं को वहां से संबोधित किया। लेकिन पश्चिम बंगाल के युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस में शामिल होने की अनुमति क्या नहीं मिलती? यहाँ के बच्चों को क्यों नहीं भेजा जाता? यहाँ के युवाओं को क्यों नहीं भेजा जाता? और पश्चिम बंगाल जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, और ये धरती तो वो है जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया भी, अपना बलिदान भी दिया। ये महीना बहुत विशेष है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दूसरी ओर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हो, एक के बाद दूसरा ऐसे महान नेता की बात आती है जिसने बंगाल ही नहीं पूरे देश के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। पुरुलिया में कुछ साधुओं को पीटा गया है, बताया जा रहा है कि किडनैप करने की कोशिश भी किया गया था। और उसी दिन जिस दिन स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन था, और ये लोग गंगा सागर जाने के लिए निकले हुए थे किसी जगह। सर अभी इसको ऐड करना चाहेंगे, अभी खबर ये आ रही है कि 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है बंगाल पुलिस की तरफ से, और आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। आखिरकार ये वातावरण क्यों, ये तुष्टिकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्म भूमि का अगर शिलान्यास हो
तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दें, हिंदुओं को जश्न भी ना मनाने दिया जाए, और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया, इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टिकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहाँ लेकर जा रही, और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों? केजरीवाल को बात यह है कि ऐसे लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है, किसकी गाड़ी में वो नजर आते हैं, कौन सी फोटो वायरल होती है, कहाँ वो छिपे हैं, कौन उनको बचा रहा है, ये पहला उदाहरण नहीं है। अगर कोई पुलिस अधिकारी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे या मदद करने के आरोप लगे तो उनको बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर आती है। दूसरी ओर जो भ्रष्ट नेता हैं उनको पकड़वाने की बजाय बचाने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार और नेता करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। सर, 18 तारीख को अरविंद केजरीवाल को चौथी बार के लिए समन किया गया और खबर यह आ रही है कि उस दिन भी वो इस समन के तहत वो हाजिर नहीं रहेंगे क्योंकि वो गोवा में रहेंगे। देखिए, 2011 से लेकर 14 तक श्रीमान अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे, और मैं मीडिया के मित्रों को कहता हूं उनके पुराने वीडियोस निकाल के दिखाइए, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय अपनी आवाज उठाने की बात करते थे, आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के चलते, उनके स्वास्थ्य मंत्री 1.5 साल जेल में रहे भ्रष्टाचार के चलते, उनके शराब मंत्री शिक्षा मंत्री जेल में है, उनके सांसद जेल में है, आखिरकार इनके विधायकों से लेकर सांसदों को जेल क्यों जाना पड़ा? भ्रष्टाचार के चलते। और अराजकता फैलाने का काम, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी और इनके राजनीतिक दल ने किया, और जब जांच होती है तो जांच से भागने का काम करते हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ठगा नहीं। ये ठगने का, लूटने का, भ्रष्टाचार का अड्डा आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जान से क्यों भाग रहे हैं? ऐसा क्या है जिसका डर अरविंद केजरीवाल जी को सता रहा है? ऐसा क्या है कि वो जनता के सामने आकर जवाब नहीं दे पा रहे? कल तक उनको लगता था बाकी जेल जाएंगे, अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे, शायद थोड़े दिन और भागना चाहते हैं, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आज एक वर्चुअल मीटिंग बताया जा रहा है, अभी तक ममता बनर्जी भी नहीं हाजिर, कोई भी नहीं। कौन से गठबंधन की बात करते हो भाई? घमंडिया गठबंधन का, जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है, एक नेता दूसरे नेता से बात नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में चौधरी साहब कुछ कहते, ममता दीदी कुछ और कहती, तीसरा कुछ और कहता है, ये आपस में ही ना सुर मिलते ना ताल मिलता है। और हमने पहले दिन ही कहा था ना, इनका नेता है कोई ना नीति है, और नियत में खोट तो पहले दिन से ही नजर आता था। और मैं फिर कहता हूं, ये घमंडिया गठबंधन ये कहीं का नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में भी बुआ और बबुआ, इन दोनों की ज्यादा दिन नहीं चल पाई, यहां भी बुआ और बबुआ में दोनों कैंपों में खींचतान चली है, कौन ज्यादा कमाई करेगा, कौन ज्यादा मलाई खाएगा, हर किसी के कैंप के नेता उसमें लगे हुए हैं और हर कोई उसको संरक्षण देने में लगा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बुआ बबुआ में तो खेल हो रहा है, लेकिन बाकी गठबंधन के नेता भी एकजुट नहीं। मैं आपको दुनिया भर का उदाहरण और भारत का उदाहरण देके बताना चाहता हूँ। 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी, देश में 13% इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर थी,
आज 5% है। 2013-14 में ना रशिया यूक्रेन वार थी, ना कोविड जैसी स्थिति थी, ना दुनिया भर में मंदी की दर थी। आज जो दुनिया में महंगाई बढ़ी है, भारत में वो स्थिति नहीं है। भारत में मात्र 5% महंगाई है, जो दुनिया भर के मुकाबले बहुत बेहतर है। आखिरकार ये रेड होना, रेड में करोड़ों रुपए मिलना और टीएमसी के नेताओं का ही नाम क्यों आना, ये सवाल ये खड़ा होता है कि करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं। और देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं, मैं पश्चिम बंगाल के तृणमूल पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता ये क्यों डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाते थे। ये काले धन को इकट्ठा करने वाले हैं, ये भ्रष्टाचार करने वाले हैं। एक मंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचार के भरे हुए हैं, इसीलिए काले धन का विरोध करते थे, डीमोनेटाइजेशन का विरोध करते थे, नोटबंदी का विरोध करते थे, क्योंकि इनको काला धन इकट्ठा करना था, भ्रष्टाचार करना था। अगर ये ईमानदार और पाक साफ होते तो कभी नोटबंदी का विरोध नहीं करते। आज देश की जनता खुश है, रेड़ी वाला, फड़ी वाला, सब्जी वाला कोई भी हो, आज अपने मोबाइल फोन से पेमेंट करता है, मोबाइल फोन से पेमेंट लेता है, उसको भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं, काले धन की जरूरत नहीं। लेकिन तृणमूल के यहाँ पर करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो कांग्रेस के सांसद के यहाँ 350 करोड़ से ज्यादा मिलता है। लेकिन इन सभी घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस के नेताओं के मुंह में दही जम जाती है, बर्फ जम जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई हैं, सबने मिलकर मलाई खाई है, भ्रष्टाचार की खूब कमाई है।